तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो यार, आप में से काफ़ी सारे लोगों का अक्सर मेरे पास ये सवाल आता है कि क्या हम मूवीज़ को अपलोड करके अपने YouTube चैनल से अर्निंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आज के टाइम पर YouTube का इस पर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्योंकि हमने काफ़ी बार देखा है कि बहुत सारे ऐसे YouTube चैनल हमें YouTube पर देखने को मिलते हैं जो कि कुछ फुल मूवीज अपलोड को करते हैं, कुछ यहाँ पर मूवीज़ के जो बेस्ट सीन होते हैं या बेस्ट पार्ट होते हैं उनको अपलोड करते हैं, तो कुछ यहाँ पर मूवीज़ में जो है वो कुछ भी थोड़े बहुत चेंजेस करके अपलोड करते हैं। अब इन सभी चैनल्स में एक चीज़ कॉमन होती है कि ये सभी के सभी लोग जो है वो मूवीज़ को अपलोड करते हैं अपने YouTube चैनल पर, और इन सभी लोगों की YouTube चैनल की जो वीडियोस होती हैं उन पर आपको मिलियंस में व्यूज़ देखने को मिलेंगे। सो इन्हीं चीज़ों को देखकर काफ़ी सारे लोगों के ये दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या हम YouTube पर एक मूवी चैनल स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पर हम मूवीज़ को अपलोड करके पैसे कमाएं, या फिर मूवीज़ से रिलेटेड जो है वो YouTube चैनल स्टार्ट करके पैसे कमाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में फुल एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं उन मूवीज़ चैनल के बारे में जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, जिनको आप काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, तो क्या वो लीगल हैं या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो भी आपको पहले से मूवीज़ चैनल आपको देखने को मिलेंगे यूट्यूब पर, ज़्यादातर आपको वो ऐसे चैनल्स देखने को मिलेंगे जो कि ऑलरेडी आपको टेलीविजन्स पर भी देखने को मिल जाएंगे। यानी आप एक तरह से कह सकते हैं कि वो कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जो मूवीज़ वो आपको यूट्यूब पर दिखाते हैं, वही मूवीज़ आपको उनके टीवी नेटवर्क पर जो आपको चैनल उनके देखने को मिलेंगे वहाँ पर भी देखने को मिल जाती है। इसका बेसिक सिंपल कारण ये है कि वो सभी जो चैनल्स होते हैं वो एक तरह के मीडिया हाउसेस होते हैं जिनके पास उस मूवीज़ के कॉपीराइट्स होते हैं, जिसकी वजह से ही वो अपने यूट्यूब चैनल पर भी उन मूवीज़ को दिखा पाते हैं, और सेम वही मूवीज़ आपको उनके टीवी नेटवर्क पर भी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों, इसे देखकर आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, क्या हम इस तरह का अपना भी YouTube चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, डेफिनेटली आप इस तरह की जो भी मूवीज होती हैं या इस तरह के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, इनके कॉपीराइट्स को ऑन करने के बाद ही आप इनसे रिलेटेड अपना एक YouTube चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बिना कॉपीराइट को ऑन किए यदि आप इस तरह का YouTube चैनल स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर हर एक मूवी के लिए वो जो है वो अपनी एक कॉपीराइट टीम तैयार करके रखते हैं, जो कि इंटरनेट पर चेक करती है कि कौन उनका कंटेंट बिना कॉपीराइट ऑन के इस्तेमाल कर रहा है, तो वो उसे ढूंढती हैं और ढूंढकर उसे कॉपीराइट स्ट्राइक दे देती हैं। तो क्या इसके लिए कोई सलूशन है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके लिए दो सलूशन है आप सभी लोगों के पास, यदि आप मूवीज को अपलोड करना चाहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, या फिर मूवीज से रिलेटेड कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो पहला तरीका है वो तो एक प्रोफेशनल तरीका है कि सबसे पहले तो आपको जो भी ऐसे मीडिया हाउसेस होते हैं उन्हीं की तरह आपको एज अ कंपनी अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। आपके पास इन सभी चीज़ों का लाइसेंस होना चाहिए, जिसके लिए अलग प्रोसेस होते हैं। यदि आप मुझसे कहेंगे तो मैं उस पर एक अलग वीडियो डिटेल में बनाकर आप सभी लोगों को बता दूंगा। उसके बाद जब आप, जाहिर सी बात है, एक मीडिया हाउस होंगे या आप एक चैनल ऑन करते हैं, तो डेफिनेटली उस पर आपको कंटेंट ऐड करने के लिए आपको कंटेंट चाहिए होगा, और कंटेंट के लिए आपको जो है वो उसके कॉपीराइट ऑन करने होंगे। तो देखिए, हर एक कंटेंट के लिए उसके जो कॉपीराइट की प्राइस है वो अलग अलग होती है। जाहिर सी बात है, एक नॉर्मल इंसान के लिए ये जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि उस प्राइस को पे करने के बाद आप उसे रिकवर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जिसमें आपको यहाँ पर कॉपीराइट को ऑन नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर फिर भी आप अपने YouTube चैनल को जो है वो मोनेटाइज करवा सकते हैं और मूवीज़ के थ्रू यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं। तो देखिए, आप किसी भी मूवी को डायरेक्टली तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन आपके पास इनडायरेक्टली बहुत सारे तरीके होते हैं जहाँ पर आप मूवीज़ के जो बेस्ट पार्ट हैं उनमें कुछ एडिटिंग करके, मॉडिफिकेशन करके, या मूवीज़ से रिलेटेड ही कई तरह के यूट्यूब चैनल बनाकर जो है वो यहाँ पर आप पैसे कमा सकते हैं। यूट्यूब चैनल को भी इवन आप मोनेटाइज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए, आपको यूट्यूब पर बहुत सारे मूवी रिव्यूज़ चैनल देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों, एक चीज़ मैं आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारे जो मूवी रिव्यूज़ चैनल होते हैं जिनके पास बड़ी संख्या में सब्सक्राइबर होते हैं, और जिनका रिव्यू मैटर करता है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके रिव्यू को देख रहे हैं, और उनके देखने के बाद, उनके रिव्यू के बाद उस मूवी पर उनका इफ़ेक्ट भी पड़ता है, उन सभी लोगों को यहाँ पर पैसे भी दिए जाते हैं पॉजिटिव रिव्यूज़ करने के लिए। तो एक तो वो यहाँ पर YouTube से अर्निंग करते हैं मोनेटाइजेशन के थ्रू,
दूसरा उन्हें पैसे दिए जाते हैं पेड रिव्यूज देने के लिए। इसके अलावा दोस्तों आप यहां पर मूवीज से रिलेटेड कोई एक इंफॉर्मेशन चैनल भी तैयार कर सकते हैं। आप यहां पर मूवीज के जो स्टार कास्ट होते हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस बना सकते हैं, किस मूवी में किस स्टार कास्ट ने काम किया है, मूवीज से जुड़ी अगर कोई इंटरेस्टिंग बातें हैं या फैक्ट्स बातें हैं जो यहां पर मूवीज में शामिल नहीं की जाती। इसके साथ साथ आप सभी लोगों के पास और भी कई तरीके होते हैं, जैसे कि एक डबिंग वीडियो बनाना। डबिंग वीडियो भी यूट्यूब पर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पर दोस्तों ये थी टोटल जानकारी कि आप मूवीज से कैसे पैसे कमा सकते हैं और क्या सही तरीके होंगे। सो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको मुझे जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय एंड टेक केयर।